अब जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि नेताओं की बातों पर यकीन करना मतलब रेत में तिनके को ढूंढने जैसा ही होता है, क्योंकि यह मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक बच्चों के भविष्य की चिंता न करते हुए व्यक्ति विशेष की चिंता करने में लगे हुए हैं। दरअसल मामला बालाघाट जिले के वारासिवनी अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 4 का है, जहां आदिवासी मोहल्ला बसा हुआ है। एक ओर जहां सरकार आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस क्षेत्र में आंगनवाड़ी भवन न होने के कारण परिजन अपने बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के लिए नहीं भेज पा रहे, जिसके चलते वार्ड नंबर 4 के अधिकांश बच्चे आंगनवाड़ी जाने से वंचित हो रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो खनिज निगम के अध्यक्ष एवं विधायक प्रदीप जायसवाल पर आंगनवाड़ी भवन बनाने में क्षेत्रीय जनता के द्वारा अड़ंगा डालने का आरोप भी लगाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन भी विधायक की मदद कर रहा है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि इस मामले में प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते आवासीय जमीन किसी एक निजी व्यक्ति भगवान दास रेवेकर को दिलाना चाहते हैं, और जनप्रतिनिधि की भूमिका पर भी प्रदीप जायसवाल द्वारा बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं वार्ड की महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में आंगनवाड़ी बनाने के लिए इस जमीन के अलावा और कोई सरकारी जमीन नहीं है। इतना ही नहीं, वार्ड की महिलाएं आंगनवाड़ी भवन बनाने के लिए चंदा कर रही हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए वार्ड की महिलाओं का कहना है कि अगर प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर सकता तो ना करे, परंतु हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे और हम चंदा इकट्ठा कर अपना आंगनवाड़ी केंद्र जरूर बनाएंगे, क्योंकि इस जमीन के लिए हम विगत 4 वर्ष से शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की मांग कर रहे हैं। अगर प्रशासन उक्त सरकारी जमीन पर आंगनबाड़ी का निर्माण ना कराकर किसी निजी व्यक्ति को जमीन देता है तो हम ऐसे नहीं होने देंगे। अगर इस केंद्र को बनाने के समय हमें कोई आपत्तिजनक समस्याओं का अगर सामना करना पड़े तो हम उनका सामना डटकर करेंगे। वहीं ओमेन सिक्योरिटी फोर्स की महिला सदस्य रामकली टेकाम ने बताया कि अगर कोई भी प्रशासनिक या राजनीतिक व्यक्ति आंगनबाड़ी की जमीन पर अड़ंगा लगाएगा तो हमने भी डंडे भी बना कर रखे हैं, जिनसे हम उन पर वार करेंगे, लेकिन हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे और डटकर सामना करेंगे। वहीं जब ग्राउंड लेवल पर सूत्रों से हमने इस विषय में जानकारी ली तो पता चला कि क्षेत्र में इसी मामले को लेकर क्षेत्रवासियों में विधायक प्रदीप जायसवाल की कार्यप्रणाली में जमकर आक्रोश है। किमला पटले समस्या आंगनबाड़ी की है। यहाँ आंगनबाड़ी है नहीं वार्ड नंबर 4 में, इसलिए हमने कलेक्टर SDO सबके पास गए पर किसी ने हमारी सुना नहीं और कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई नेताओं ने दिए। इसलिए वार्ड नंबर 4 की महिलाएं सब इकट्ठा हुई है और उनने अब कमर कस के सोच ली है कि ये आवास की जगह है तो इसमें किसी को घर न देते हुए हम अपने बच्चों के लिए आंगनबाड़ी बनाएं और चंदा वसूल करके हम 4 दिन से चंदा के लिए घूम रहे हैं सभी महिलाएं, और सोच रहे हैं कि ये चंदा वसूल करके हम टीन का सेट बना करके बच्चों के लिए व्यवस्था करें और अपना कब्जा करें। भगवान दास रेवेकर वो यहाँ अतिक्रमण कर रहा था, अब उसके पीछे किसका हाथ था ये पता नहीं, पर इतना पता है कि भगवान रेवेकर यहाँ अतिक्रमण कर रहा था, उसने दीवाले उठा लिया था, उसको गिराया गया है, उसके बाद साफ सफाई करके अपना कब्जा हमने आंगनबाड़ी के लिए जताए। श्रीमती रामकली टेकाम वार्ड नंबर 4 की निवासी हूँ और 2004-05 से पार्षद में हूँ और अभी भी कर रहे हैं हम। ये वार्ड नंबर 4 आदिवासी वार्ड है और इसमें छोटी छोटी बहुत सी समस्याएं हैं। समस्याओं से जूझते हुए 16-17 साल हो गया जो काम करते आ रहे हैं। आज हमारी समस्या ये है कि वार्ड नंबर 4 2 आंगनवाड़ी है, दोनों आंगनवाड़ी के लिए हम लोग मतलब सरकार से गुहार कर रहे हैं, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई कोई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सब महिलाएं वार्ड नंबर 4 की महिलाएं पूरी इकट्ठा हुए हैं और इस आंगनवाड़ी को बनाने के लिए सब कलेक्शन कर रहे हैं, जिससे जो बन रहे दे रहे हैं, है ना। और इसमें आपत्ति भगवान दास रेवेकर के द्वारा और इसमें राजनीति चला दिया गया है कि राजनीति में ये है कि
प्रदीप जायसवाल जी हैं, वो देवकर जी को बैठाना चाहते हैं। और हमारी गरीब बच्चे हैं, है ना, गरीब बच्चे हैं, वहाँ पूरा सुविधा नहीं है हमारे, इसमें चलते हैं आवास में किराया नहीं हो पा रहा है। अगर आज बन जाता है अपना आंगनवाड़ी भवन तो इसमें पूरा व्यवस्था हो जाएगी, सरकार पैसा देगी, जबकि जब है, लेकिन आज पूरे महिलाएं अपना सहयोग कर रही हैं और पूरा वार्ड की महिलाएं पूरा सहयोग में हैं। और इसके कारण आज 15, 16, 17, 18 साल हो गया हम हैं इन्हीं के माध्यम से बैठे हुए हैं, और वार्ड के लिए जो सहयोग कर रही हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज आपके माध्यम से अगर मंत्री नेता किसी को भी पता चल जाए तो ये आंगनवाड़ी वार्ड नंबर 4 आदिवासी वार्ड है, इसलिए इसका ये शोषण न किया जाए। और मेरा श्रीमती सुरेखा मिश्रा नाम है, ये वार्ड नंबर 4 है और यहाँ 2 आंगनवाड़ी सरकार के द्वारा प्रेषित है, लेकिन दोनों आंगनवाड़ी किराए के कमरे से चल रही हैं और ये आवासीय जगह है, सरकारी जगह है। इस जगह में हम 2017 से आंगनवाड़ी भवन के लिए भवन बनाने के लिए हम इस जगह को आरक्षित करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर आंगनवाड़ी भवन बन जाए, क्योंकि इसके बाद वार्ड नंबर 4 में एक भी जगह आवासित नहीं है कि जहाँ आंगनवाड़ी भवन बन सके। लेकिन सर, हम कलेक्टर साहब के पास भी होके आ गए, एसडीएम साहब के पास भी होके आ गए, और हमारे क्या कहते हैं नगर के जो मंत्री महोदय हैं उनसे भी मिलके आ गए, सभी लोग तक मंत्री। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।